नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम लोग पोर्ट ब्लेयर के लंबा लाइन एरिया में हैं और यहाँ पर जो है कुछ दिनों पहले तक APWD एक वर्क एग्जीक्यूट कर रहा था, जहाँ पर वो यहाँ पर लंबा लाइन में एक जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, उस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर जो डेयरी फार्म जंक्शन है वहाँ तक एक पाइपलाइन जो है वो रिप्लेस कर रहा था। और वो पाइपलाइन जो है ये जो मेन रोड है जो कनेक्ट करता है लंबा लाइन से डेयरी फार्म को, वो मेन रोड के नीचे से वो पाइपलाइन जाता था, जिसको वो मेन रोड खोद कर जो है रिप्लेस कर रहा था। हम आपको बता दें, ये काम जो है जब हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी जब उनका अंडमान निकोबार आइलैंड्स विजिट था, उससे पहले जो है ये काम शुरू हुआ था और प्रेसिडेंट के विज़िट के दौरान इस काम को रोक दिया गया था। और प्रेसिडेंट के विज़िट से पहले जब ये काम शुरू हुआ था, तब ज़्यादा दूर नहीं, हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर लंबा लाइन का जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, यहाँ से कुछ ही मीटर दूर वहाँ से लेकर बस कुछ ही मीटर तक का जो है काम हुआ था, जहाँ पर जो है रोड को खोद के पाइपलाइन को रिप्लेस किया गया था। तो जब हमारे राष्ट्रपति जी का विज़िट यहाँ पर जो है प्लान हुआ, जब ये कंफर्म हो गया कि उनका विज़िट होगा और वो इस रोड को भी यूज़ करेंगी, तो उस काम को रोक दिया गया। और जहाँ तक जो है गड्ढा खोदा गया था और पाइपलाइन रिप्लेस किया गया था, वहाँ तक जो है रोड को एकदम परफेक्टली वापस बना दिया गया। लेकिन प्रेसिडेंट विज़िट के बाद जब ये काम शुरू हुआ वापस, तो जो है रोड को खोदा गया, पाइपलाइन को रिप्लेस किया गया, और जब रोड बनाने की बारी आई वापस, तो रोड में जो है बड़े बड़े जो है गड्ढे छोड़ दिए गए। रोड का जो है लेवल जो है वो जो है सही नहीं किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पाइपलाइन को रिसेंटली जो है रिप्लेस किया था। रिप्लेस करने के बाद जो है यहाँ पर ऊपर फिर से रोड बनाया गया, लेकिन आप देख सकते हैं रोड का लेवल यहाँ पर किस तरह है। और थोड़ा पीछे अगर आप देखेंगे, थोड़ा पीछे अगर आपको कैमरामैन दिखाएगा पैन करके, तो आप देखेंगे कि वहाँ का पर जो है परफेक्ट जो है काम किया गया है, रोड का लेवल एकदम परफेक्टली जो है मेंटेन किया गया है। लेकिन उससे थोड़े ही आगे आप देखेंगे जो काम जो है प्रेसिडेंट विज़िट के बाद जो किया गया, उसमें रोड का लेवल जो है वो कम्प्लीटली बिगाड़ दिया गया। और रोड का मतलब यहाँ पर जब भी टू व्हीलर चलता है, क्योंकि रोड का लेवल गड़बड़ है, ऊपर नीचे है, तो टू व्हीलर्स को काफ़ी परेशानी हो सकती है और इसके वजह से जो है एक्सीडेंट भी हो सकता है आगे जाके। ये तो रोड का लेवल यहाँ तक ख़राब है। आगे अगर आप देखेंगे रोड का जो कंस्ट्रक्शन का क्वालिटी है, यानी कि जब खोदने के बाद पाइपलाइन रिप्लेस किया गया, उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन का क्वालिटी है आगे इसी रोड में, वो काफ़ी ख़राब है। और आप कह सकते हैं कि बिल्कुल भी जो है स्पेसिफिकेशंस के अनुसार जो है काम नहीं किया गया। बस जो है काम उनको करना था, इस वजह से उन्होंने रोड में कुछ भी डाल के भर दिया। हमने देखा जब वो रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहा था, तब उसमें रबिश डाल रहे थे वो लोग, ना जाने कहां कहां से ईंटा तोड़ के लेके आके डाल रहे थे और उसको भर रहे थे। और उसके ऊपर जो है एक छोटा सा जो है मेटलिंग का लेयर कर दिया गया, थोड़ा सा उसके ऊपर जो है कोलता डाल दिया गया और उसके ऊपर रोलर चला दिया गया। बस इतना ही किया, जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से रोड को काम करना था वो काम नहीं किया। इससे आगे जो आप फुटेज अपने अभी स्क्रीन में देख रहे हैं, वो सारा फुटेज जो है लंबा लाइन से लेकर डेयरी फार्म के बीच का फुटेज है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ख़राब क्वालिटी का काम यहाँ पर किया गया है। और इस ख़राब क्वालिटी के काम के करने के वजह से आज जो है इस पूरे एरिया में जो है काफ़ी ज़्यादा धूल जो है वो उड़ रहा है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रहा है, रोड का लेवल ठीक नहीं है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। इस तरह का इर्रेस्पॉन्सिबल काम जो है वो APWD ने यहाँ पे किया है। और अगर इस तरह का काम अगर हमारा एक प्रीमियर जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी है अंडमान निकोबार आइलैंड्स का, वो APWD करेगा, वो किस तरह का एग्जाम्पल सेट कर रहा है अपने ही कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए। और इस वजह से इतना ख़राब कंस्ट्रक्शन की वजह से आज लोगों को कितना ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है। लोग जो है मजबूर हैं इस तरह के रोड में अपना गाड़ी चलाने के लिए। और जो टू व्हीलर्स आते हैं यहाँ पर, टू व्हीलर्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होता है। फोर व्हीलर्स तो फिर भी ठीक है, उनका वो जो है इस तरह के रोड के कंडीशंस झेल लेते हैं, लेकिन टू व्हीलर जो चालक है उनका बैलेंस जो है रोड का लेवल ना होने की वजह से बिगड़ता है। रोड में जो है
फिनिशिंग नहीं है रोड में, उसके वजह से जो है वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वहाँ पे ट्रैफिक जो है वो भी जो है काफ़ी स्लो मूविंग हो जाता है, जहाँ पर रोड का कंडीशन जो है ठीक नहीं है। हालांकि रोड को जो है ठीक करने की कोशिश की गई है, लेकिन इतना ख़राब काम किया गया है APWD द्वारा कि इसको कह नहीं सकते कि जो है जैसे कि कोई एक्सपीरियंस इंजीनियर ने जो है ये काम कराया है। बहुत ही ज़्यादा ख़राब क्वालिटी का काम, इसके ऊपर जो है APWD की अथॉरिटीज़ को जो है ध्यान देना चाहिए और इसको पूरा तरह से रेक्टिफाई करना चाहिए। धन्यवाद।